नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, आज का जो है ना बिहार शिक्षा से रिलेटिव से क्या हेडलाइन निकल के सामने आया है। 25 को अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन NIC पर अपलोड, 30 को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। ठीक है, ये छठे चरण की जो रह गए थे वही है। 25 को नियम देख लीजिए, 25 को निगम, 26 को नप, 27 को जीप के अभ्यर्थी प्रमाण पत्र की होगी जांच। यानी जो है ना दोस्तों, अभ्यर्थी प्रमाण पत्र का भी जांच होना अभी बाकी है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए आगे की प्रोसेस क्या करा है। जिले में पहले होगी 7वें चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया, इसके बाद जो है ना फिर जो है ना 7वें चरण के नोटिफिकेशन के बारे में बात किया जाएगा। इससे पहले नहीं होने वाला है। आप लोग भले ही कितना ही जो है ना रिक्वेस्ट कर लीजिए शिक्षा विभाग की, उसका जो मन मस्तिष्क दिमाग में है वो वही करेगा। ठीक है, इसके बाद और देख लीजिए क्या करा है। चलिए थोड़ा इसमें बायोडाटा देख लेते हैं। कक्षा 6 से 8वीं तक 50% सीटें प्रमोशन से भरी जाएंगी। कक्षा 6 से 8 के लिए उपलब्ध सीटों में से 50% शिक्षकों के प्रमोशन और बाकी 50% सीटें नियोजन प्रक्रिया से भरी जा सकती है। इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई तो पहली में 5वीं तक की पढ़ाई करा रहे शिक्षक को प्रमोशन किए जाएंगे। प्रस्ताव आया, ऐसे प्रमोशन का आधार क्या होगा, रूपरेखा भी बनना बाकी है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख लिए होंगे कि क्या क्या शिक्षा विभाग की तरफ से रवैया चल रहा है। इससे पहले जब मैं वीडियो अपलोड किया था तो उसमें न्यूज में जो है ना एक न्यूज प्रकाशित हेडलाइन सामने आया था और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जब पुराने शिक्षक जो है बच्चे को जो है ना शिक्षण नहीं दे पा रहा है तो नया शिक्षक होंगे तो क्या शिक्षण दे पाएंगे। ये सब की रवैया है दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब धन्यवाद मित्रों। ओके।